गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज व्लॉग 3 है। हम लोग रेडी आदिया है, मैं कुले ने हम लोग का आज इवेंट है, ME4E का इवेंट फर्स्ट। आदि के साथ मैं कॉलेज निकल गया, रास्ते में मंदिर में जा गया, पूजा वूजा किया, पूजा करके सीधा पार्किंग में बाइक लगाने गए। पार्किंग में जाके देख रहे तो पूरा पार्किंग खाली, कोई दिख नहीं रहा पार्किंग में। दूर दूर तक थोड़ा बहुत बाइक लगे हुए थे। हम और आदि वॉलेंटियर थे तो हमें जल्दी आना पड़ा। फिर हम लोग कॉलेज में गए, देख रहे थे सभी लोग येलो येलो पहने क्योंकि इवेंट था आज। अंदर गए गार्ड साहब से पास लेके, अंदर पहुंच के हम लोगों को बोला कि सेमिनार हॉल में जाओ। सेमिनार हॉल में भी ज़्यादा कोई नहीं था, खाली पूरा सेमिनार हॉल। तो फिर थोड़ा टाइम वेट करने के बाद दोस्त लोग आया, रवि कौशिक ये लोग आए, गप्पे लड़ाए हमने थोड़ा टाइम। फिर थोड़ा देर बाद हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी आए थे और वहां शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया था, उसमें संविधान के हर पाठ को लगाया। तो संविधान के पाठ 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की जो बात की गई है, उसमें चित्र किनका लगा? उसमें चित्र लगा है भगवान राम का, माँ जानकी का और लक्ष्मण जी का। तो जब भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का ही चित्र क्यों लगाया? जब भी हम अधिकार की बात करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे। अधिकार से पहले हमारी मर्यादा। के स्पीच के बाद में दोस्तों ने पकड़ के मैं पूरा रंग दिया था। गाइस, मेरे साथ जबरदस्ती किया गया है, मेरे को जबरदस्ती रंग दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, इनका कंप्लेन करने जा रहे हैं हम पुलिस स्टेशन, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्रूफ में मैंने अश्विन को रखा, अश्विन बोल। अब इसके फेस के साथ जो भी होगा जिम्मेदार यही लोग है। नाम रिवील नहीं करूंगा, नाम बाद में रिवील करूंगा। जय श्री राम। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस से घर, रात में डीजे नाइट। तो आप लोगों को डीजे नाइट दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये हम लोग हैं बेटा, छोटू का छोटू, मेरा बेटा छोटू, लल्ला लल्ला लोरी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एनर्जी पार्क। बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होने वाली है और बेस्ट पार्ट क्या है कि डीजे लीजा आने वाली है डायरेक्ट रशिया से, हम लोगों को डांस करवाने। तो देखते रहिए आगे क्या परफॉर्मेंस होते हैं। बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के बाद देखिए बिहार का बेस्ट परफॉर्मेंस, जो बिहार की संस्कृति और कला को दर्शाता है। हमने और हमारे दोस्तों ने फोटो खिंचवाए कुछ, देखिए कितनी अच्छी संस्कृति और कला को दिखाएगा हमारे देश के वीर कुंवर सिंह। बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के बाद हम लोग थक चुके थे, अब थी बारी डीजे लीजा को देखने की। पूरा इवेंट एक तरफ, सबने अपना अपना सीट पकड़ा है, पर ये एक भाई ने अपने लिए एक मस्त सीट देख ली है। ये भाई पूरा मस्त आर्डिनल बना हुआ है, इससे नहीं उतरना नीचे। खत्म हो चुका है, हम लोग नाच के वापस जा रहे हैं। बाय गाइस, बाय बाय। तो इवेंट खत्म होने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। घर जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट बता देना चाहता हूँ आप लोगों की, कल इससे भी अच्छा इवेंट होने वाला है, तो कल का जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।